नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है राजधानी दिल्ली को लेकर, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है। ये तीन गिरफ्तारियां की हैं, जिनके नाम हैं तबरेज अंसारी, अनाबुल और जलील। ये गिरफ्तारी इसलिए खास है क्योंकि इन गिरफ्तारी में एक नाम ज्यादा उछल रहा है, वो है तबरेज अंसारी का। पुलिस ने इसको मास्टरमाइंड बताया है। इतने दिनों बाद, जबकि इस घटना को एक महीना होने जा रहा है, पहले भी एक और मास्टरमाइंड था और ये भी एक मास्टरमाइंड है, लेकिन खास ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आरोपी इतने दिनों से पुलिस के साथ घूम रहा था। डीसीपी उषा रंगरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं अपनी, तो ये आरोपी जो अब बनाया गया है तबरेज अंसारी, जिसको पुलिस ने मास्टरमाइंड कहा है, ये साथ दिख रहा था और इलाके के लोगों को, इलाके में शांति की अपील कर रहा था, मन चैन की अपील कर रहा था। अब पुलिस ने इसको ये कहते हुए गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजी में, दंगा भड़काने में इसका एक अहम रोल था, अहम भूमिका निभाई थी, और पुलिस इसको ना पकड़ सके या पुलिस से बचने के लिए ये अमन कमेटी से जुड़ा था और पुलिस के साथ रहता था और इलाके में शांति की अपील करता था। क्या कहेंगे इस पर आप? कई सवाल बनते हैं। क्या पुलिस को इतने दिनों बाद इस पर नजर पड़ी? जब पुलिस ने कई सारी गिरफ्तारियां की थी, उसके दो चार दिन बाद ही अंसार को इसका मास्टरमाइंड बताया था, क्या पुलिस को तब नहीं पता चला था कि ये भी मास्टरमाइंड है? क्या पुलिस ने ऐसा कौन सा वीडियो देख लिया है जिसमें इसकी भूमिका नजर आ गई है और वो वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, जिसमें ये दंगा भड़का रहा था या इसमें हिंसा की अहम भूमिका थी? सवाल बनता है पुलिस पर कि आखिर पुलिस ऐसा कौन सा वीडियो ले आई जिसमें इसको अब आरोपी बना दिया, इसको मास्टरमाइंड बता दिया। मैं आपको इस पूरे मामले की तह तक ले जाना चाहूंगा कि आखिर ये शुरू से मामला हुआ कैसे। हनुमान चालीसा की रैली निकलती है, अब वो रैली लोग आंख मूंद कर तो निकाल नहीं रहे थे, मुंह पर टेप लगा कर तो निकाल नहीं रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, हाथों में हथियार लहराते तो हुए निकल रहे थे। तीसरी रैली में दंगा क्यों भड़का? तीसरी रैली में ऐसा क्या माहौल खराब हुआ जो पहले दो रैलियों में नहीं हुआ? इलाके के लोग ये बता रहे हैं, खुद दूसरे समुदाय के, खुद हिंदू लोग, वहां के जो हिंदू लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अंसार जिसकी गिरफ्तारी हुई थी वो ऐसा नहीं है, समाज में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उसी ने जाके दो रैलियों को पहले निकलवाया था। अब तीसरी रैली जब मस्जिद के सामने से निकलती है, जो कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में थी, रैली में से शामिल लोग निकल कर मस्जिद पे झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर आपस में खींचतानी हुई और बात बढ़ी। तब अंसार अपने घर से निकलता है और देखता है कि वहां क्या है, वहां माहौल शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन बात शांत नहीं होती और बिगड़ जाती है। इसी को लेकर दंगा भड़क जाता है, हिंसा भड़क जाती है और वहां क्या होता है ये आपने खबरों में देखा। उसके बाद पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, अंसार को निकालती है। और मैं आपको बता दूं कि अंसार के मामले में खुद उसके पड़ोसी, जो कि दूसरे समुदाय के हिंदू, वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जबकि उसी ने ही पहले दो रैलियों को वहां पर जगह दी थी निकलने के लिए, उन्हीं का स्वागत उसने किया था कि मस्जिद के सामने से इनको लेकर जाइए आराम से, यहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तीसरी रैली में ऐसा क्या हो गया, सोचने वाली बात है। और अब पुलिस ने पहले उसको गिरफ्तार किया, अंसार को मास्टरमाइंड बताकर, जबकि वहां के लोगों का साफ कहना है, इलाके में भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध किया गया, फिर थाने के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वहां थे और उसकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर अंसार की गिरफ्तारी क्यों, जबकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, और उसको पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया। और अब ये गिरफ्तारी होती है तबरेज की, तबरेज अंसार, जिसको अब दोबारा पुलिस इसका मास्टरमाइंड बताती है। इस घटना को करीब एक महीना होने जा रहा है और पुलिस अब तक मास्टरमाइंड ही गिरफ्तार कर रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या एक ही कौम के मास्टरमाइंड है, एक ही समुदाय के मास्टरमाइंड है, दूसरे समुदाय का कोई इसमें नहीं है? कई सारे सवाल बनते हैं और पुलिस की शैली पर खासकर ये सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसा कौन सा वीडियो देख लिया जो इसके बाद जो उनके साथ घूम रहा था वही आरोपी बन गया और मास्टरमाइंड तक बन गया। क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगी? वहां एक से एक आला दर्जे के अधिकारी जहांगीरपुरी में तैनात थे, जहांगीरपुरी में जांच कर रहे थे और ये इतने दिनों से पुलिस के साथ था, अमन चैन की अपीलें कर रहा था, वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की बातें कर रहा था और पुलिस से भी ये अपील कर रहा था कि अब इलाका बिल्कुल शांत है, आप फोर्स हटा लीजिए। क्या जब पुलिस को नहीं लगा
एक महीना इस घटना को होने जा रहा है और अब पुलिस इसको गिरफ्तार करती है ये कहकर कि ये भी मास्टरमाइंड है और इसकी भी उस हिंसा में अहम भूमिका थी। कई सारे सवाल हैं कि पुलिस ने किस आधार पे इसको मास्टरमाइंड बताया, आखिर कौन सा वो वीडियो सामने आया और इतने दिन से पुलिस क्या कर रही थी, क्या ये इतना शातिर आरोपी है कि इसने पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक दी इतने दिनों तक, और जबकि जब ये मास्टरमाइंड है तो क्या ये दोनों ही मास्टरमाइंड है, दूसरे समुदाय का इससे कोई लेना देना नहीं, जो दंगा भड़का है, जो हिंसा भड़की है, क्या एक ही समुदाय के मास्टरमाइंड है और इन्होंने ही भड़काने की साजिश की है। कई सारे सवाल हैं और कई सारे अभी जवाब खोजने हैं। आखिर सवाल ये कि क्या पुलिस की इसमें जो पुलिस एक्शन ले रही है, जो गिरफ्तारियां कर रही हैं, क्या वो सही है, और जो आरोप इन पर लग रहे हैं क्या वो सही है, आखिर पुलिस ऐसे कितने वीडियो देखे हैं जो इनकी गिरफ्तारियां की हैं जिसमें ये शामिल नजर आ रहे हैं, और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी और उनके नाम कब तक उजागर होंगे, देखने वाली बात होगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।